बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मंज़र ख़ान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पेशावर बोर्ड आपसे मुखातिब है। और आज पेशावर बोर्ड के ज़रिए साया ज़रिए तमाम बाईस पेशावर इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपटीशन के हवाले से सालाना तकरीबी तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसकी मेज़बानी प्रोफेसर नसरुल्लाह ख़ान चेयरमैन पेशावर बोर्ड ने की। और पेशावर बोर्ड के चेयरमैन नसरुल्लाह ख़ान साहब की सरपरस्ती में, उनके रहनुमाई में, अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर बोर्ड ने इंटर कॉलेजिएट का एक और संगी मील अबूर किया और हमने एक और नहायत कामयाब इनेकाद स्पोर्ट्स कंपटीशन का यहाँ भी किया। और आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इसकी एक कड़ी है। इन मुकाबलों में ओवरऑल जो चैम्पियन है वो हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेज हैं, जिसने मुसलसल दूसरी मरतबा ये ओवरऑल जनरल ट्रॉफी हासिल की है। और टोटल 8 इवेंट्स का इनेकाद हमने गर्ल्स के लिए किया और साल 2022-2023 के सिलसिले में, और इन टूर्नामेंट्स में, इन मुकाबलों में टोटल 8 कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 में हदफ कॉलेज ने पहली पोजीशन हासिल की है और 2 में इनने दूसरी पोजीशन हासिल की है। कुल 26 पॉइंट्स के साथ ओवरऑल जनरल ट्रॉफी हासिल की है। और दूसरे जो लीडिंग कॉलेजेस हैं, इसमें जनरल कॉलेज पेशावर है, टेबल टेनिस और क्रिकेट में पहली पोजीशन हासिल की है। इस तरह जो है फ्रंटियर कॉलेज है, सिटी गुलबहार कॉलेज है, नाकी कॉलेज है, तो इन कॉलेज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और ओवरऑल जो जनरल ट्रॉफी हासिल की है वो हदफ कॉलेज ने हासिल की है। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे यही बच्ची हमारे इंटर कॉलेजेस के साथ साथ इंटर बोर्ड में भी और नेशनल में भी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मुकाबले में भी हमारा पेशावर बोर्ड का भी और हमारे सूबे का भी और हमारे मुल्क कौम का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। और यही मैं बताता चलूँ कि हमारे कुछ बच्चे जो मनाहिल है, जो ऐमन है, आयशा गुलाल है, ये हमारी बच्चियाँ जो है ना, ये इंटरनेशनल टीम में इनकी सिलेक्शन हो गई हैं। और इंशाल्लाह ये रिसेंटली इसी साल इंटरनेशनल टूर पर जाएंगे, कुछ वॉलीबॉल में भी है, कुछ जो है ना क्रिकेट में भी है। तो इंशाल्लाह हमारी ये बच्चियाँ इंटरनेशनल भी बन जाएंगी और इनसे हमारी तवक्कात है कि इंशाल्लाह ये आगे चलकर हम सबका इंशाल्लाह सर फख्र से बुलंद करेंगे।